हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर -2, -3 -1, 0 एंड 2, -4। ये तीन वर्टेक्सेस के हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला ही आपको याद रखना है, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो लेट इस तीन कोऑर्डिनेट को हम लोग ने लेट पॉइंट a b एंड c मान लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ये x1 y1 होगा, सेकंड x2 y2, थर्ड x3 y3 होगा। सिंपल ऐसे फॉर्मूले में पहले पुट कर देंगे, हाफ x1 x1 क्या है 2, y2 - y3, y2 0 - y3 -4 -4 -- plus 4, फिर plus x2 x2 क्या है -1, y3 - y1 y3 -4 -y1 y1 क्या है 3। ओके, plus x3 क्या है 2, y1 - y2 y1 क्या है 3 - y2 y2 क्या है 0। समझ में आया नाउ 2 0 प्लस 4 4 होगा और ये प्लस माइनस ये माइनस 1 होगी, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 2 3। ओके, 2 4 सा 8 माइनस 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 1 इनटू माइनस 7 प्लस 7 माइनस 1 माइनस प्लस 1 इनटू 7 7 प्लस 2 3 सा 6 हाफ। अब इसे प्लस करेंगे, ठीक है, 8 प्लस 6 कितना है 14, 14 प्लस 7 21, 21 डिवाइड बाय 2 तो हम लोग लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट से। यूनिट हमेशा लिखना है क्योंकि एरिया निकालना है हम लोग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दो क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं फर्स्ट कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी फॉर व्हिच पॉइंट्स आर कोलिनियर। इधर देखो तीन पॉइंट्स दिए हुए, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी और क्या बोला है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रही होगी, ठीक है। ओके, तो हमें इधर पे क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, तो ऐसे केस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो मानना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, जीरो। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो क्यों माना। अब देखो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इधर पे कोलिनियर पॉइंट है मतलब ट्रायंगल बनेगा या नहीं, दिख रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, तो इधर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा, इसलिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिया, जीरो लिया। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं इधर वैल्यूज पुट कर देता हूं, इधर वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। तीन पॉइंट्स है क्या होंगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 7 y2 - y3 y2 1 - y3 क्या है k, प्लस x2 x2 है 5 y3 - y1 y3 k - y1 क्या है -2 - प्लस 2, प्लस x3 x3 है 3 y1 - y2 y1 है -2 - y2 y2 क्या है 1। ओके, नाउ ये हाफ जो है इधर इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई 1/2 2 से आएगा मल्टीप्लाई जाएगा तो जीरो बन जाएगा, और इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, आप इधर नहीं बचेगा, ये 2 उस तरफ डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा 7 माइनस 7 इनटू के 7 के प्लस 5 इनटू के 5 के 5 2 जा 10 3। अब ये सॉल्व होगा ना, -2 -1 -3 3 इनटू -3 -9। ठीक है, अब क्या करना है, हमें k वाले टर्म को सॉल्व करना है और जो नंबर्स है उन टर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो नंबर्स कौन कौन से, 7 10 -9 1 10 -9 1 1 और ये 7 कितना होगा 8। नाउ -7 -7 -7 के प्लस 5 क्या होगा -2 के, तो हम लोग को k की वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू क्या मिलेगा -2 के इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा +2 के और उधर क्या बचेगा 8, -2 के को इस तरफ शिफ्ट किया हमने, इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट किया तो +2 के हुआ। ठीक है,
तो प्लस टू के हुआ और क्या बचा इक्वल टू किस तरफ 8, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 8 डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या मिलता है 4, ओके तो हम लोगों को k की वैल्यू क्या मिल गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टाइसेस आर इन ऑर्डर, चार वर्टाइसेस दिए हुए हमें एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो लेट मान तो मैं इन वर्टाइसेस को नाम दे देता हूं ए, ए क्या होगा माइनस फोर माइनस टू एंड बी माइनस थ्री माइनस फाइव एंड सी सी थ्री कॉमा माइनस टू एंड डी टू कॉमा माइनस थ्री, ठीक है। अब हमने कोई क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, ठीक है, इस चैप्टर में, तो हम लोग क्या करेंगे लेट इसे ज्वाइंट कर देता हूं मैं, इधर कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइंट ए सी, ठीक है, ये सब मैं तुम लोगों को सिर्फ बता रहा हूं कैसे करना है, वो तुम लोग खुद करना, ओके। तो ए सी को ज्वाइंट कर दिया, अब इधर देखो तो दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ए डी सी दूसरा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला तो सीखा है, तो तुम लोग क्या करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करोगे एक बार, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था पिछले दो समय, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करोगे, ठीक है, दोनों एरिया मिल गए ट्राइंगल के, हम लोगों को पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना था, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे मिलेगा दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी प्लस ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, समझ में, दोनों को प्लस कर दोगे इधर पर जो वैल्यू निकला दोनों प्लस कर दोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा।